अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए जी, देश की हालत क्या है। मैं पीएचडी हूँ, लॉ में पीएचडी हूँ, तो बैग लेके पूरे देश में घूम रहा हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता जॉब के लिए? बट हालत ये हो गई है कि बद से बदतर बुरी हालत हो गई है देश के। कब की थी आपने? मैंने पीएचडी जस्ट 2 साल पहले कंप्लीट किया, मेरी एज 31 ईयर हो गई। पीएचडी वालों को भी नौकरी नहीं मिली? नहीं जी, जहाँ जहाँ अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। केजरीवाल जी के समर्थक? नहीं जी, हम मैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री हैं। वो तो दुनिया देख रही है, कौन बता दो कौन से कॉलेज से डिग्री। उन्होंने तो बोला मैं 35 साल मैं तो हवा में रहा हूँ, कभी हिमालय में रहा हूँ। क्या लगता है केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा आपको केजरीवाल बढ़िया कर रहा है, मैं वाइज्ड हूँ। मैं ना कांग्रेस के साथ हूँ ना मैं जो बंदा अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा मैं उनके साथ हूँ। मोदी से पहले लाल किला नहीं बना था क्या? लोली मोदी कह रहा है कि मोदी ने ही आके लाल किला बनाया, तो मोदी वाले आपके सामने कह के गया कि मोदी ने। अरे उनको विकास नजर आता है कि मोदी के आने पर विकास हुआ है, आपको क्या लगता है? हमें पहले हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आता था, हमें विकास नहीं चाहिए पहले। विकास होता रहता है, इट्स यूनिवर्सल प्रोसेस। हमारे टैक्स का पैसा लगता रहेगा, ये लुटते रहेंगे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। सबसे पहले बात मुद्दा वो है, भाईचारा कौन बिगाड़ रहा है वो तो आपको सबको पता दिखता है, कौन बिगाड़ रहा है सबको दिखता है। हिंदू मुस्लिम सिख हुआ पढ़ाया पूरी जगह, जहाँ पे हिंदू नहीं होगा मुस्लिम नहीं होगा वहाँ सिख हो जाएगा, जहाँ सिख नहीं होगा वहाँ मुस्लिम हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करिए। हमारे साथ बात करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करिए हमारे साथ। राहुल गांधी जो विदेश में जाकर कहते हैं कि स्थिति ऐसी कर दी है मोदी ने कि अल्पसंख्यकों की स्थिति ऐसे कर दी है कि अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, आपको लगता है क्या? अगर मोदी जी के बंदे ये बोल सकते हैं कि हिंदू डरा हुआ है, तो राहुल गांधी ने ये बोल दिया तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। हिंदू आज बीजेपी पार्टी, अब हिंदू की पार्टी बोलते हैं, 9 साल से सत्ता में आज भी डरी हुई है वो क्यों? मैं अभी कल कनॉट प्लेस में देखा, मैंने 5 बंदे ऐसे तख्ती खड़े करके खड़े थे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू जागो। क्या क्या कौन लोग है जो बात कर रहे हैं आज को, आपको क्या नजर आता है कि अभी पार्टी है जो इस मुद्दे पर बात कर रही है? बात सुनिए भाई साहब, एक दिन में मौसम चेंज हो जाता है। अभी देखिए, अभी मौसम ठंडा चल रहा है, जून महीने में कभी ठंडा नहीं हुआ, समय नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको क्या नजर आता है कि कोई पार्टी है इस समय जो बात कर रही हो कि बेरोजगारी पे बात करे, या आपको नजर आता है? कांग्रेस समझ लीजिए, क्यों नहीं समझ लीजिए, कर रही है बात कर रही है वो। आप बोल रहे हैं ना कि अमेरिका की बात, ये वही मोदी जी हैं जिनको अमेरिका ने बैन किया था, ये वही मोदी जी हैं जब वहाँ हौडी चला रहे थे ना अमेरिका में जाके, उसको बेचारे ट्रंप को भी वहाँ पे हरा के आए थे, ये वही मोदी जी हैं। आज मोदी जी का नाम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? उनको बॉस बोल रहे हैं, कोई पैर छू रहा है उनके आगे, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है आगे, तो मोदी का नाम नहीं हो रहा है क्या? मेरी बात सुनिए, 300 करोड़ लगा के गए थे वहाँ पे, ठीक है जी। और बात सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं मोदी जी, एक देश एक कानून की बात करते हैं। कश्मीर से 370 हटा दिया, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, 371 क्यों नहीं उठाते गुजरात में? वहाँ बंदा जमीन नहीं खरीद सकता जाके, पता आपको लीज पे मिलती है, रजिस्टर्ड मालिक नहीं बन सकते आप, सरकारी जॉब नहीं कर सकते आप, हिमाचल में जॉब नहीं कर सकते आप। उस टाइम आपका 50 रुपया 55 रुपया था और अभी आपको 82 रुपया 83, अभी देश का गरीब नहीं डूब रहा है? उस टाइम वो मोदी जाके खड़ा होकर बोल रहा है कि डॉलर गिर रहा है तो महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, कौन मना कर रहा है? 450 रुपया गैस सिलेंडर था, अभी क्या सिलेंडर हो गया? भाई साहब टिकट दिलवाए इनको, ये बच्चा अच्छा अच्छा बोल लेते हो, अच्छा पॉइंट बोल लेते हो, अच्छा बोल लेते हैं, नहीं नहीं आता बनेंगे, गलत नहीं है, आप नेता बनने आए यहाँ पे? नहीं 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 आप बोल रहे ना पैर छू रहा नहीं बनेगा, नेता है ना वो आम लोगों में से बनने चाहिए भाई, नेता आम लोगों में से बनने चाहिए। अभी ये बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं, तो केजरी कोई ना दे तो केजरीवाल दे सकता है, केजरीवाल जी क्यों देंगे? अरे तो कोई दे यार, केजरीवाल दे, लीडर ऐसी कोई ना किसी की पार्टी से तो लेगा, जब भी तो बनेगा लीडर। आपको क्या लगता है सर? हाँ। आप जैसे आदमी को, अरे हम जैसा आदमी को नहीं चाहिए जो अच्छा इंसान। आप इनकी तारीफ कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? यार तुम छोड़ो, आप इनकी तारीफ कर रहे थे मजाक कर रहे थे इनका? बता रहे थे आपने। क्या नाम हो गया भाई साहब, बताएंगे अब आपको क्या नाम हो गया? मेरा नाम मुश्ताक अली है। मुश्ताक अली जी, ताली तो बहुत अच्छी बजा रहे थे, क्या लग रहा है? डर का माहौल, कह रहे कि मोदी ने बना दिया है। कौन बोल रहा डर का माहौल है? उधर राहुल गांधी बोल रहे हैं विदेश में, विदेश में जाके जो बातें बोल रहे हैं बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बोल, बहुत अच्छी कह रहे हैं। कौन बोल रहा है डर का माहौल? ये है कि डर का माहौल है एक तरह का, क्योंकि देखा जाए तो देश का जो माहौल है बहुत खराब कर रखा है, एक दूसरे संप्रदाय को लड़ाया जा रहा है। और राहुल जी अभी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जैसे आप देखोगे कर्नाटक में खोली है, वैसे ही आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ओके धन्यवाद, थैंक्स।
अरे रुको तो भाई, इधर आओ तो सही यार, बात नहीं करेंगे। क्या नाम हो गया तुझे आपका? मेरा तो यासीन है। यासीन है। अच्छा, आपको क्या लगता है, डर का माहौल की बात हो रही कि डर का माहौल मोदी ने बना दिया है, तो यासीन जी आपको क्या लगता है? भैया इसमें तो है ही, जब लोगों को लग रहा था हमें क्यों ना होगा। आपको क्या लगता है? हमें इतनी नॉलेज ना है, हमें इतने सारे लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं फिर भी डर का माहौल लग रहा है। डर नहीं है, नहीं हमें इतनी पता नहीं है। और अगर चार हिंदू का घर है और एक किसी मुसलमान का घर है और अगर किसी आपस में झगड़ा कर लिया ना, तो पता चलेगा कि वहाँ पे उसे मुसलमान समझ के उसे पीट पीट के सारे मिलके मारेंगे। है, बिल्कुल है। पहले पहले जैसा था ना, आज से पहले जैसे 2014 से पहले तो कोई ऐसा पता नहीं चलता था कि अगर किसी से झगड़ा भी है ना तो पर्सनल झगड़ा पर्सनल के ही तरह लिया जाता था। 2014 से पहले ये भी नहीं पता चलता हूँ कि साक्षी को मार दिया गया, वो तो आज भी मार, श्रद्धा को मार, देखो ना अभी वहाँ जो बैठे हुए हैं पहलवान सब बैठे हुए, जाके उससे क्यों नहीं? अच्छा, डर का माहौल कैसा? अरे अब कौन रहा अभी तो तुमने सर चाकू चला रहे हैं वो लोग, आप कह रहे डर? चाकू देखो, चाकू जो चलाते ना वो कोई भी चला सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी जाति हो। अच्छा, हाँ आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को मार देंगे अगर चार घर होंगे हिंदुओं के? आपने तो कहा अभी, हाँ अच्छा, वहाँ तो प्यार करने के नाम पे चाकू से मारा जा रहा है, यहाँ झगड़े की बात? उसको फांसी दो जो ऐसा कर रहा है। हाँ। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी। ऐसे कैसे, कहाँ हुआ, कहाँ देखा आपने कि कहीं मुसलमान रह रहा है और चार हिंदू के घर हैं? हाँ। हरियाणा में कहीं पे जिसने पता नहीं गाय के नाम पे ले गया और उसे जीप में जला डाला। अच्छा। नहीं हुआ अभी, श्रद्धा नहीं दिखी आपको? अरे वो भी दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? हम कह रहे हैं तो बार बार बोल, हम कह तो रहे श्रद्धा, यही कह रहे हैं कि हिंदू मार रहे हैं मुसलमान, जिसने श्रद्धा के लिए जिसने जो भी गलत किया है उसे भी उसको सजा। किसने किया? किसी ने भी किया हो। किसने किया है? किसी ने भी किया हो, नाम पता नहीं क्या है ऐसे आफ्ताब। साक्षी, साक्षी का किसने किया है? कोई आफ्ताब ऐसे कुछ। साक्षी को किसने मारा? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्या नाम था उसका? साक्षी को मारने वाला साहिल। हाँ वो साहिल, मैं कह तो रहा उसको फांसी चढ़ाओ। फांसी चढ़ाओ ना उसको। ये कहेंगे कि मुसलमान ने मारा? अरे मुसलमान हो या कोई भी हो, फांसी नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान ने मार दिया भाई मुजरी में? ये कहेंगे वाह, अभी देख रहे हैं, अभी तो बड़ी जल्दी बदले हैं आप तो, अभी तो कह रहे थे कि हिंदू मार रहे हैं, अब वो मुजरिम हो गया। ठीक है, अगर झगड़ा होगा, एक मिनट सुनिए, अगर झगड़ा होगा तो उनको हिंसक बोला जाएगा या हिंदू मुसलमान बोला जाएगा? हिंसक बोला जाएगा। तो फिर अभी आपने क्यों कहा था कि हिंदुओं ने मारा? ऐसा बात नहीं है, जैसे पहले ऐसा होता था ना। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भोला है। भोला, भोला जो भोला जी, भोले वाली बात तो करी नहीं। अरे यार, तो मैं किसी का तरफदारी नहीं करूंगा भैया, जो जायज है वो जायज है, कोई भी हो चाहे, तरफदारी नहीं। वो तरफदारी तो साफ नजर आ जाती है जो ये कह देते हैं कि एक मुसलमान कुछ हिंदू मार रहे हैं और वहीं जब नाम पता होने के बाद भी कहते हैं कि उसका धर्म नहीं होता, तो तरफदारी समझ में आ जाती है। ये कह रहा हूँ, जैसे कहीं भी कोई एरिया है ना, मान लो वहाँ पे एक घर है किसी मुसलमान का, वो किसी से डर के, वो झगड़ा नहीं कर सकता किसी से। अगर मान लो उसके दरवाजे पे तुम बाइक खड़ी कर दो, गाड़ी खड़ी कर दो, वो डर से आपको नहीं बोल सकता आज के डेट में। हाँ, जहाँ अगर चार मुसलमान के घर हो और हिंदू हो, वो भी गलत है। मैं वो कह रहा, वो भी नहीं होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए किसी के लिए बने। तो यार तरफ की बात करो। अरे तो मैं कैसे नहीं कर रहा हूँ दोनों तरफ। अब जैसे आपने साक्षी के लिए बात कहा, हाँ। भाई अगर वो साहिल है, उसको कहा कि मुजरिम, फांसी दो, बिल्कुल मुजरिम है। ऐसी कहते कि मुसलमान है, ऐसी कहते ना, जैसे कह रहे कि हिंदू ने मारा, फिर कहते मुसलमान। मुसलमान होगा तो क्या मुजरिम कहेंगे? कि मीडिया वाले हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अपने आप आके बोलेंगे, फिर कहेंगे मीडिया वाले मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं तो मुजरिम ही बोल रहा हूँ उसको। जैसे आप कह रहे हैं कि हिंसा करने वालों को आप साफ नजर आ जाता है कि हिंदुओं ने मारा, तो ये भी कह सकते हैं फिर साक्षी को मुसलमान ने मारा। साक्षी का हो या किसी का भी हो, अभी पहलवान जैसे बैठे हुए आप बताओ उसको, अभी तक जो उसको क्यों नहीं, उसकी जो भी उसका मांग है क्यों नहीं? कार्रवाई चल तो रही है, तो क्यों क्यों अभी तक होगी? जांच हो गई, दो महीने थे, तीन महीने, छह महीने हो गए पहले। हम भी और कोई भी प्रूफ लेके हम बैठ गया धरना पे, हमारे साथ में हुआ है। अरे कोई भी बैठ सकता है धरना पे, तो ये धरना पे आज 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 जैसे धरना है रही है, तो मेरे कभी धरना में तो मिलना चाहिए। वो कह रहे इंसाफ नहीं देंगे पहलवानों को। इंसाफ क्या पहलवान को, क्या गुनती हुआ है पहलवान के साथ में? अवाल ये राजनीति के लिए तो हम भी धरना बैठ गए, कोई भी धरना बैठ गया, इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति चल रही है। पहले अगर धरना हुआ, पहले का ऐसा केस नहीं हुआ, अगले केस हुए तब कुछ नहीं हुआ। अब धरना पे हर आदमी चाहे केस हुआ, धरना बैठ गए, जाए कि यंत्र मंत्र बैठ गए, ये कोई बात होती है? कोई क्या नाम? नाम तो बताइए सर, बात कर लेंगे दो मिनट। क्या नाम हो गया? एक्चुअली कश्मीर से हूं, मैं नहीं बोल सकता। अरे दो मिनट सर, दो मिनट, कश्मीर की चर्चा ज्यादा होती है,
क्या बात हो गई, क्या नाम हो गया आपका सर? क्या नाम हो गया आपका? नानजी खमल। कहाँ से हैं आप? एक मिनट पहले मारो एक वीडियो। अच्छा कहाँ से हैं आप? भावनगर। भावनगर गुजरात से? गुजरात से। अच्छा ये बताइए, गुजरात के लोग, अभी एक व्यक्ति थे वो कह रहे थे कि माहौल बिगड़ रखा है मोदी ने, नहीं तो नहीं नहीं डरा रखा है मुसलमानों को? नहीं। भैया से पूछ लेता हूँ, ये देखिए फिर कहेंगे डर का माहौल है, मीडिया हमसे बात नहीं करना चाहते। कोई माहौल नहीं है डर का, कोई माहौल नहीं है। फिर लोग कहते हैं उधर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, वो यही बात कर रहे हैं वहाँ से बैठकर कि माहौल है ऐसा डर का कि लोग अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। नहीं ऐसा कुछ माहौल नहीं, माहौल नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? वो तो बोलेगा जो कांग्रेस वाला, वो तो बोलेगा हमारा तो यहाँ मोदी चाहिए। देखो गुजरात में कितना डेवलप किया, क्या क्या हुआ, वो तो सब फ्रॉड बात है। और जो कांग्रेस ने क्या किया, कुछ नहीं किया 70 साल में, तो हमने ही किया था, मोदी ने ही किया। अरे इसके बाद क्या क्या बहुत हुआ ना, मोदी आया तब देखो कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ देखो।